Okay, so good afternoon to all of you, and let's start the class now. कल हम लोगों ने WTO क्या है उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था. इसके अलावा उसके कुछ फाइल्स फैक्ट भी देखे थे, जैसे कि उसका हेड ऑफिस कहाँ है, कब इस्टेब्लिश हुआ, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, और उसका पहले नाम क्या था, उसकी हिस्ट्री का क्या थी. ये सारा सब कुछ हम लोगों ने WTO के इंट्रोडक्शन में पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं आज कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ WTO. WTO के फंक्शंस क्या हैं, मींस WTO का काम क्या क्या करता है. एक्चुअली कि WTO है आपका एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें मैंने कल आपको बताया था कि मोर दैन 164 कंट्रीज इसकी मेम्बर्स हैं, मोर दैन 164 कंट्रीज इसकी मेम्बर हैं. तो अब जब 164 इसके अगर मेंबर्स हैं, तो उनके बीच में अगर कभी कुछ ट्रेडिंग करनी होती है, तो अगर हर कंट्री अपने हिसाब से रूल बनाएगी, एग्रीमेंट करेगी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है. क्यों? क्योंकि फिर वो अपने बेनिफिट के लिए काम करेगी. लेकिन जो WTO है वो क्या है कि एक न्यूट्रल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अगर आप उसके मेंबर बनते हैं, तो वो उन सभी के लिए इक्वल एग्रीमेंट या इक्वल रूल्स या पॉलिसीज फ्रेम करती है कि सभी के लिए, कि अगर कोई वो पॉलिसी या रेगुलेशन फ्रेम करती है, तो वो सभी कंट्रीज के लिए इक्वल होंगे. तो इसका सबसे पहला फंक्शन है एडमिनिस्ट्रिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट. WTO ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एग्रीमेंट्स बना रखे हैं. एग्रीमेंट मतलब कि कुछ आपके ऐसे रूल्स या ऐसे नियम बना रखे हैं कि जब अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ आपको कोलैबोरेशन करना है या उसके साथ ट्रेड करना है, तो उन एग्रीमेंट पर आपको साइन करने होते हैं. एज यू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ WTO, देन यू हैव टू साइन अ ट्रेड एग्रीमेंट विच इज कॉल्ड WTO ट्रेड एग्रीमेंट. क्या है? WTO का एक ट्रेड एग्रीमेंट आपको साइन करना पड़ता है. उसमें क्या है कि उसमें WTO अपनी कुछ कंडीशंस और शर्तें रखता है. उसमें WTO कुछ कंडीशंस और शर्तें रखता है, और वो कहता है कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पर आपको ट्रेड करनी है, तो आपको ये कंडीशंस और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा. वो कहलाता है आपका WTO ट्रेड एग्रीमेंट. मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एग्रीमेंट, कुछ कंडीशंस है. जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, तो उसमें एक जो इंश्योरेंस वगैरह या आप जो बैंकिंग अकाउंट खोलवाते हैं या किसी के मेंबर बनते हैं, तो उसमें कुछ कंडीशंस ये कुछ शर्तें होती हैं जिसमें आप उसके नीचे साइन कर देते हैं कि जो यहाँ पर सब कहा जाएगा वो मैं सब फॉलो करूँगा, और अगर मैं फॉलो नहीं करता तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद होऊंगा. इस तरह से कुछ कंडीशंस होती हैं. जैसे आपने कभी बैंक में अकाउंट खुलवाया या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली, इसका मतलब है कि आप उसके मेंबर बन रहे हैं, तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं. तो ऐसे ही जो कंट्री WTO की मेंबरशिप लेती है, तो उसको WTO ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है. ठीक, जो एग्रीमेंट WTO बनाता है उसको एडमिनिस्टर भी WTO ही करता है. उसका मतलब कि पूरा प्रशासनिक उसका जो देखता है वो उसका WTO देखता है. जैसे कल हमने बताया था कि हांगकांग की जो थे उसके वो क्या थे, उसके डायरेक्टर जनरल थे. तो ऐसे ही उसमें डिप्टी डायरेक्टर और उसके सब डायरेक्टर और फिर उसके नीचे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो हर कंट्री से होते हैं. ऐसा नहीं कि उसके जो एम्प्लॉय होंगे किसी पर्टिकुलर एक कंट्री के होंगे. उसके जो एम्प्लॉय जो पॉलिसी फ्रेम या रेगुलेशन जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, वो हर कंट्री से होते हैं. अगर आपको WTO में जैसे जो भी मेम्बर होंगे ना, जहाँ पर वो एम्प्लॉय या उसके जो ऑर्गेनाइजेशन के मेम्बर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंट्री के हैं, वो वर्ल्ड के सभी कंट्री से हो सकते हैं. ठीक, और उसका जो डायरेक्टर जनरल का पोस्ट होता है वो भी हमेशा के लिए नहीं होता. उसका भी एक टाइम पीरियड 2 साल 3 साल ऐसे होता है, जिससे वो क्या करते हैं कि हर साल बदलते रहते हैं और हर कंट्री से किसी न किसी को एक चांस मिलता रहता है. तो इससे क्या होता है कि इक्वलिटी बनी रहती है, आपकी इक्वलिटी बनी रहती है, कि ऐसा नहीं कि किसी के आप फेवर में ज़्यादा काम कर रहे हैं और किसी के फेवर में कम काम कर रहे हैं. तो WTO जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है उनको एडमिनिस्टर करता है. यस फैजल, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आई लिसन की मतलब सर, US मोस्टली उनका वहाँ पे
यूएस का ज्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है आई थिंक। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्फ्लुएंस उसका ज्यादा होता है यूएसए का, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको लगता है कि यूएसए का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो WTO के जो डायरेक्टर जनरल है मोस्टली वो अदर कंट्री से होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उसमें मोस्टली आपके यूएसए के बने हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी देखिएगा आगे एक पॉइंट और उसमें दिया हुआ है जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए दिया हुआ है उसमें। देखिए आगे पढ़ते हैं अभी, तो इसमें है पॉइंट नंबर 5। देखिए इसमें लिखा टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। अगर आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें आपको लगता है कि आपके यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के चांसेस हैं, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल ज़्यादा एडवांस हैं, तो WTO क्या इसमें एक और चीज़ लिखी नीचे, कोऑपरेशन विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो डेवलप्ड कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन से उनसे के साथ WTO का कोऑपरेशन होता है और वो फैसिलिटीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, उनको डेवलपिंग कंट्रीज को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए कि आपको कोई टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, या आप कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको कोई पॉलिसीज नहीं पता है कि कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप WTO में अप्लाई कर सकते हैं। तो WTO आपको प्रॉपर हेल्प करेगा उसमें। एक्चुअली जो ये ऑर्गेनाइजेशन WTO बना है वो मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए ही बना है। जब ये बना था गैट के फॉर्म में, तो इसमें क्या था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनका डेवलप अच्छे तरह से नहीं हो पा रहा था, तो कई कंट्रीज ने मिलकर के कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, तब इसका जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। गैट जो बना था वो इसीलिए बना था ताकि हम वर्ल्ड के हर लेवल पर अपना बिजनेस कर सकें, कंट्रीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपना अचीव कर सकें। तो WTO का ये भी एक काम है कि वर्ल्ड की जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करना, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको किसी भी तरीके से उसमें हेल्प को प्रोवाइड करना। ठीक, तो ऐसा कोई जब कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि यूएसए का उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। हाँ, जैसे कुछ कंट्रीज हैं, अब कुछ संस्था आप बात करते हैं, जैसे जो G20 की कंट्री है या G7 की कंट्रीज हैं जिनके पास कुछ वीटो पावर होती है। आपके पास कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, तो क्या होता है उनका उसमें जो वोटिंग राइट्स होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। जो वीटो पावर कंट्रीज हैं तो वो उनके पास ज़्यादा राइट्स होते हैं अदर देन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। क्यों? क्योंकि वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको काफ़ी कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनको काफ़ी कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो अब जैसे अगर हम बात करते हैं कि वीटो पावर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, हम अगर बात करें कि वीटो पावर कंट्री कौन कौन सी हैं, तो हम ज़रा देखते हैं उसके नाम, वो बहुत ही गिनी चुनी है। जैसे हमारे पास पहला नाम आता है जो हमारा सबसे अपोजिट है, दैट इज चाइना। इसके बाद फ्रांस, इसके बाद रसिया, इसके बाद है UK, फिर है USA। ये ऐसे मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, ये मेंबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब जिनके पास वीटो पावर है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको डेवलप करने में अपने हाथ को आगे बढ़ाएं। तो को भी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, वो ये कोशिश करता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनको हम डेवलपिंग कंट्री के साथ कनेक्ट करके उनको हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा सकें। हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। अब जैसे हमारे साथ क्या है कि जो चाइना है और उसके साथ हमारा ट्रेड डिस्प्यूट अभी चला था, हमारे यहाँ अभी चाइना के साथ ट्रेड डिस्प्यूट चला था। अभी जो हमारे साथ ही क्या वर्ल्ड की कई प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था, जब ये अभी पैंडेमिक वाला फेज चला तो चाइना के बहुत से प्रोडक्ट्स आपको बैन हो गए। तो लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके पास वीटो पावर है। अभी हमने बताया कि जो कुछ कंट्रीज है उनमें से चाइना भी एक है जिसके पास वीटो पावर है। जब इन्वेस्टिगेशन की बात आई थी, जब इन्वेस्टिगेशन की बात आई थी कि अदर कंट्री जैसे USA, UK, फ्रांस और जर्मनी,
इन लोगों ने कहा कि चूंकि ये पैंडमिक चाइना यहाँ का ओरिजिन है, हम यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि ये आइदर ह्यूमन जनरेटेड है और नेचुरल है, ये आपका ह्यूमन जनरेटेड नेचुरल है। तो जिस कंट्री के पास वीटो पावर होती है, जिस कंट्री के पास वीटो पावर होती है उसके अपने खुद के कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसने किसी भी कंट्री को अपनी कंट्री में एंटर नहीं होने दिया, उसने किसी भी कंट्री की एजेंसी को अपनी कंट्री में एंटर नहीं होने दिया। ये क्या है, ये आपके वीटो पावर की एक राइट है, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम माने यूएसए, एक्चुअली उनके पास कुछ राइट से ज्यादा होते हैं, तो आप उनका कह सकते हैं कि उनके पास राइट ज्यादा है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंडीशन ज्यादा बेटर है, बस ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं हम कि आपका वहां पर उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। अब ये बात अलग है कि आपको ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक्चुअली WTO के पास भी फंडिंग कहाँ से आती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी फंडिंग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ से आती है। और अगर वो डेवलप्ड कंट्री के हैं तो फिर हो सकता है कि आपको लगता हो कि ऐसा इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनका मोस्ट काम यही होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेट करना और उनको डेवलप करना और उनको हर तरह का असिस्टेंस प्रोवाइड करना। अब जैसे हमारे पास चाइना और जो वर्ल्ड की इस समय जितनी भी कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया कि चाइना के साथ ट्रेड डिस्प्यूट चला, तो लेकिन जो WTO है, अगर हम सब उसके मेंबर हैं तो हम उसके एग्रीमेंट्स, जो हमने सबसे पहले बताया था कि जो एग्रीमेंट्स हैं उनको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते हैं अगर हम उस रूल को, हम उसके मेंबर हैं और उसके रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे चाइना का क्या है कि हम किसी भी कंट्री में फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारा रूल है, हम WTO के मेंबर हैं, उसमें क्या है कि हम किसी भी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ये हमने एग्रीमेंट पर साइन किया है। तो इसका मतलब है कि हम जिस कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट है उसके प्रोडक्ट को हम बैन कैसे कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट बैन कैसे कर सकते हैं, तो हमें क्या है फिर इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ सकता है, हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ सकता है। उससे क्या हो सकता है कि हमारी कंट्री पर कुछ बैन लग सकते हैं, अगर हम जो एग्रीमेंट रूल या प्रोविजंस हैं अगर हम उनको नहीं मानते हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे USA हो, अगर हम एग्रीमेंट को ब्रेक करते हैं या ब्रिज करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट में होता है और हमारे ऊपर बैन लग सकता है। उससे क्या होगा कि जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हैं फिर हमसे अलग हो जाएंगी, और अगर हमें कभी रिसोर्सेज या किसी तरह की फैसिलिटी की भी ज़रूरत होगी तो फिर वो नहीं मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि अगर कभी ऐसे WTO क्या करता है, जो डिस्प्यूट वाले कंट्रीज होती हैं, जिनके ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं, उनको हैंडल करता है, उनके बीच में एक कॉपरेशन इस्टेब्लिश करता है कि आप दोनों लोग इस, क्योंकि इस एग्रीमेंट में साइन किए हैं तो आप दोनों लोग हाथ मिला लीजिए। वो होता ना कि जब हम लोग कभी जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता है उसमें अगर कभी लड़ाई हो जाती है तो फिर दो कुछ फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि चलो यार जो हुआ सब उसको भूल जाओ और हम उसको मैच करके चलो गले लगाओ हाथ मिलाओ बात बराबर हुई। तो WTO भी देखो वही काम करता है, क्या करता है कि अगर कभी किसी के साथ आपके ट्रेड डिस्प्यूट होते हैं तो वो उनके साथ कॉपरेट करता है और उनको हैंडल करता है, ठीक। एंड मॉनिटरिंग नेशनल ट्रेड पॉलिसीज, जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है कि कोई भी कंट्री उस पॉलिसीज हैं उनको ब्रेक तो नहीं कर रहा, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करता है और उनकी पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज की फ्रेमिंग भी WTO करता है, फ्रेमिंग भी WTO करता है। जैसे अपने यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, संविधान क्या है, देश को चलाने का नियम, जो देश हमारा चलता है वो किससे, संविधान से चलता है। ऐसे ही WTO में ट्रेड पॉलिसीज हैं, जो ट्रेड पॉलिसीज हैं जो हर कंट्री को फॉलो करनी पड़ती हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग को भी WTO करता है। बाकी नीचे के जो दो पॉइंट हैं हमने वो पढ़ लिए हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं WTO के। हम बात करते हैं WTO के प्रिंसिपल्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। सो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ WTO, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। जैसा कि आपने अभी बताया कि USA का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो अगर USA के साथ उसका ज़्यादा फेवर करेंगे तो इसका मतलब कि हम भेदभाव कर रहे हैं, वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग। तो लेकिन WTO का ये उसका प्रिंसिपल सिद्धांत, जैसे हमारे यहाँ कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ऐसे ही WTO के कुछ प्रिंसिपल हैं कि आपको हर कंट्री को एक बराबर देखना है, आपको
किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। अब यहाँ पर लिखा है मोस्ट फेवर्ड नेशन दैट इज एमएसएन, ट्रीटिंग अदर पीपुल इक्वली, आपको क्या है कि सभी पर्सन को आपको बराबर देखना है, मोस्ट फेवर्ड नेशन, या आप ट्रीटिंग अदर पीपुल इक्वली, हमको सभी को एक बराबर देखना है। अंडर द WTO एग्रीमेंट कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स। देखिए अभी जो हमने चाइना वाला एक केस बताया था ना, उसमें ये चीज लिखी है अंडर द WTO एग्रीमेंट्स, जो WTO का एग्रीमेंट है उसके अंडर में क्या है, कंट्रीज कैन नॉट नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन देयर ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसके बीच में डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं कर सकते हैं, आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ग्रांट समवन ए स्पेशल फेवर सच ए लोअर कस्टमर ड्यूटी रेट फॉर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब जैसे मान लीजिए क्या किया कि आपने किसी कंट्री को कम रेट पर दिया और दूसरी कंट्री को आप ज़्यादा रेट पर दे रहे हैं, आपने ग्रांट समवन ए स्पेशल फेवर, अगर आप किसी का स्पेशल फेवर कर रहे हैं सच एज लोअर कस्टम ड्यूटी रेट फॉर वन ऑफ देयर प्रोडक्ट, सॉरी कोई एक कंट्री है जिसमें आप उसके लिए जो कस्टम ड्यूटी की रेट है वो लोअर लगा रहे हैं और किसी दूसरी कंट्री के लिए आप उसमें कुछ अलग कस्टम ड्यूटी की रेट लगा रहे हैं, तो ये क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ये आपकी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। एंड यू हैव टू डू द सेम फॉर ऑल अदर WTO मेंबर्स, आपको क्या है WTO के सभी मेंबर्स के लिए आपको सेम चीज ही अप्लाई करनी पड़ेगी, आपको WTO के जितने भी मेंबर हैं, क्यों, क्योंकि आपने उसका एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, आपने उसका एग्रीमेंट साइन किया है, तो WTO के जितने भी मेंबर्स हैं आप उसके लिए, अब देखिए जैसे अगर WTO की जो 164 कंट्रीज है उसके रैदर देन कोई कंट्री आती है तो चूंकि वो उसकी मेंबर नहीं है, वो उसकी मेंबर नहीं है तो आप उसके लिए चाहे जो भी लगाएं, लेकिन अगर WTO के मेंबर हैं और आप उसके लिए अलग अलग करते हैं, मान लीजिए जैसे चार कंट्रीज हैं और चार कंट्रीज में आप सबके लिए अलग अलग कर रहे हैं और वो चारों WTO के मेंबर हैं, तो फिर क्या है, आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर डूइंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या है, आपको WTO के सभी मेंबर्स के लिए एक जैसी कस्टम ड्यूटी को लगाना पड़ेगा, बस यहाँ पर बात फिर क्या आती है, बात यहाँ पर फिर वही आती है कि आपकी जो कंट्रीज है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, अब इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, जो वहाँ अब मान लीजिए अमेरिका है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है, ये चार कंट्रीज हो गए, तो यहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है तो इनकी करेंसी के रेट भी अलग होते हैं, इनके करेंसी के रेट भी अलग होते हैं, तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो आपको मैनेज करना पड़ता है कि करेंसी के एक्सचेंज रेट के हिसाब से आपको किससे कितना कस्टम ड्यूटी को लेना है, वो आपका एक रेशियो जो होता है, एक जो रेशियो होता है वो इक्वल होना चाहिए, करेंसी की वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन रेशियो वो एक होना चाहिए। नाउ नेशनल ट्रीटमेंट, ट्रीटिंग फॉरनर्स एंड लोकल्स इक्वली, अब चूंकि WTO के मेंबर हैं उसमें बहुत ढेर सारे कंट्रीज हैं, तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी कंट्री के ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज या बेनिफिट्स दें और अगर वहीं दूसरी कंट्री की कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है आपकी कंट्री में ट्रीट करने के लिए तो आप उसको अलग तरह का ट्रीट करें, तो यहाँ पर क्या है नेशनल ट्रीटमेंट में ट्रीटिंग फॉरनर्स एंड लोकल्स इक्वली, अगर आपकी कोई अदर कंट्री भी ट्रेड के लिए आती है और आपके यहाँ जो स्वयं के खुद के ऑर्गेनाइजेशन हैं सबके लिए रूल्स एक जैसे होने चाहिए, इम्पोर्टेड एंड लोकली प्रोड्यूस गुड्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एट लीस्ट आफ्टर द फॉरन गुड्स हैव एंटर्ड द मार्केट, द सेम शुड अप्लाई टू फॉरन एंड डोमेस्टिक सर्विसेज एंड टू फॉरन एंड लोकल ट्रेडमार्क्स कॉपीराइट्स एंड पैटर्न्स। मान लीजिए एक तो आपका लोकल प्रोडक्ट मतलब कि आपके कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है और आपके एक जो फॉरेन कंपनी है उसका एक प्रोडक्ट है, तो उसके लिए मार्केट में आपके यहाँ दोनों के लिए इक्वल चांस होना चाहिए, मतलब कि फ्री ट्रेड आपका जो है फ्री ट्रेड दोनों के लिए अवेलेबल होना चाहिए, दोनों में कंपटीशन होना चाहिए कि आप दोनों चाहें तो एक दूसरे से चाहे जैसे कम्पीट कर सकते हैं, हम आपने दोनों को चांस दिया है जो बेटर होगा आप उसको ले सकते हैं, हम यहाँ पर कस्टमर की बात कर रहे हैं कि कस्टमर दोनों में से मतलब कि अब एक इंटरनेशनल ब्रांड आपके यहाँ बिक रहा है एक लोकल ब्रांड बिक रहा है
तो वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा लेना चाहता है, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करना है। लेकिन कंट्री क्या है, अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपका जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो ज़्यादा चलने लगा तो आपने उसको बैन कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको दोनों को इक्वल चांस देना पड़ेगा, चाहे इसी तरह से चाहे सर्विसेज में हो, चाहे आपका गुड्स में हो, गुड्स या सर्विसेज दोनों में है। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, अगर आपने कोई नई चीज़ लॉन्च की है, आपने कोई नई चीज़ लॉन्च की है, तो उसमें क्या है, आपके पास पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स का राइट होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आपके पास अगर कुछ भी नया करते हैं तो आपके पास कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क का राइट होता है। तो क्या है, उस जो जिस कंट्री में आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं उसके लिए ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जैसे कोई इंटरनेशनल कंपनी आई आपके यहाँ कंट्री में, आपकी कंट्री में ट्रेड कर रही है, और आपने क्या किया, उसकी नकल करके अपना लोकल ब्रांड जो है उसको फॉलो कर लें, कॉपी कर लें और उसको कम्पीट करने लगे। तो यहाँ पर क्या है, आपकी कंट्री में जो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट्स के रूल्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। मीन्स कि अगर आपके यहाँ जो फॉरेन कंपनी है उसको क्या है, पेटेंट या अगर कॉपीराइट उसका कोई है तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपका कोई भी लोकल ब्रांड या आपका कोई डोमेस्टिक आपका कुछ ऐसा करता है तो उसके लिए प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए, जिससे कि किसी के जो बेनिफिट्स हैं, जो जिसने अपना मेहनत किया है उसके उसको मेहनत बेकार ना जाए। अब जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा कि जो कोई कंपनी है और कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, मान लीजिए कोई आपका लोकल ब्रांड है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है या बहुत फेमस है, ज़्यादा चल रहा है, तो आपने उसके एक दो चार प्रोडक्ट खरीदे और उसका कंपोजिशन देखा और उसको आपने खुद मैन्युफैक्चर करके सस्ते में बेचना चालू कर दिया, ठीक है ना? आप जैसे ये क्या, जैसे मूवी वगैरह बनती है तो आपने क्या देखा होगा, ये जो पायरेटेड होती हैं वो क्या करते हैं, मूवी को पहले से उसके लॉन्च होने के पहले से ही लोग उसको कॉपी करके और मार्केट में बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है, लोग फिर उसको देखते नहीं है। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट का होगा तो जो इंटरनेशनल ब्रांड है, मान लीजिए उसने उसकी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर प्रोडक्ट लॉन्च में इतना खर्चा किया और उसने उसकी कीमत एक डिसाइड की, अब जो लोकल या कोई दूसरा पर्सन है उसकी कॉपी करके उसको क्या करेगा, सस्ते पर बेचने लगेगा, तो महंगा वाला क्यों लेंगे। तो इससे क्या है, उसका बेनिफिट होगा। इसका एक एग्जाम्पल और देखिए, लेकिन वो डोमेस्टिक एग्जाम्पल है। क्या जियो ने जब लॉन्च किया था तो फ्री में सिम लॉन्च किया था और उसने कई महीनों तक फ्री में लोगों को डेटा और कॉलिंग की फैसिलिटी दी। उसने फ्री में कई महीनों तक लोगों को फ्री में कॉलिंग और डेटा की फैसिलिटी दी। तो जो आपकी अदर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जैसे कि आपके एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, इन लोगों ने क्या किया, केस किया, इन लोगों ने कोर्ट में केस किया कि इनकी वजह से, क्योंकि जब फ्री में लाया तो आदमी फिर पैसा दे के क्यों लेगा, ठीक। तो इन लोगों ने केस किया, उसके बाद से ही आपने देखा होगा जियो ने फिर अपना प्लान पैसे दे करके चालू किया, अपना प्लान पैसे दे करके चालू किया था। और पहले अगर आप देखें तो जो पहले टेलीकम्युनिकेशन के रेट थे वो बहुत अलग थे और अब काफी सस्ते हो गए हैं। जितना पैसा आप पहले एक महीने में खर्च करते थे उससे ज्यादा, एक महीने में खर्च करते थे जितना कि अब आप 3 या 4 महीने में खर्च करते हैं, ठीक है। ये किसने दिया, जियो ने। तो जियो ने अपना फिर मिनिमम प्लान देखिए, पहले थोड़ा और सस्ता किया, फिर अब थोड़ा सा और महंगा कर दिया, क्योंकि इसके बाद भी जो अदर उसके कॉम्पिटिटर हैं उसने क्या किया था, उसको मैच नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो अभी भी देखें तो जियो के जैसे प्लान सस्ते हैं, लेकिन वो क्या है, जो बेस रेट होता है, जो बेसिक होता है, आप उससे नहीं कर सकते हैं। तो अब अदर कंपनी जो है अब उसको कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था क्या, कि इस समय इंडिया में जो 35% टेलीकम्युनिकेशन, जो मोबाइल सिम का नेटवर्क का मार्केट का कवरेज है, 35% जियो का है, और जो दूसरे नंबर पर जस्ट उससे हाफ 17-18% है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका सबके लिए इक्वल चांस है, आप चाहे जैसे कीजिए। अब ऐसा ना हो कि उससे दूसरे के बेनिफिट पर असर हो, ये क्या है, नेशनल ट्रीटमेंट आगे आते हैं, फ्री ट्रेड।
थ्रू नेगोशिएशन फ्री ट्रेड लोवरिंग ट्रेड बैरियर्स इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस मीन्स ऑफ इनकरेजिंग ट्रेड। ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है कि आपके यहाँ ज्यादा नियम कायदे ना हो या आपके यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो लोगों को ट्रेड करने में। ठीक, तो जितने ज्यादा नियम कायदे कम होंगे उतनी ही ट्रेडिंग आसान हो जाती है, उतनी ही ट्रेडिंग आसान हो जाती है। अब पता चला कि आपके यहाँ अगर हमको बिजनेस करना है आपने बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस लगा रखे हैं, टैक्सेस ज्यादा लगा रखे हैं, ठीक, आपकी बहुत सी शर्तें कंडीशंस होती हैं, तो ये सब क्या है आपके ट्रेड बैरियर्स हैं। तो इससे जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कम अट्रैक्ट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो जानते हैं रूल्स रेगुलेशन और हम फॉलो करेंगे तो फिर हम लोगों को उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो जितने ट्रेड बैरियर कम होंगे उतना ही ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा, जितने ट्रेड बैरियर मतलब कि जो रूल्स रेगुलेशन कम होंगे उतना ही आपका ट्रेड बढ़ेगा। तो द बैरियर्स कंसर्न इंक्लूड कस्टम्स ड्यूटी और टैरिफ एंड मेजर्स सच एज इंपोर्ट बैंस और कोटास दैट रिस्ट्रिक्ट क्वांटिटीज सेलेक्टिवली। यहाँ पर बैरियर्स से क्या मतलब है, इंक्लूड कस्टम ड्यूटी जो आपके टैरिफ्स रूल्स होते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो रूल होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती बैन होती हैं, या बहुत सी क्वांटिटीज मतलब कि अमाउंट आप इतने से ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं कर सकते, इतने से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ये सब क्या है आपके ट्रेड बैरियर्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेड बैरियर्स नहीं, ट्रेड बैरियर्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप इलीगल काम भी करना चालू करना। अब मान लो कि बैरियर हटा दिया तो आप हथियार, गोला बारूद और ड्रग्स वगैरह सब जो है आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने लगे, ये नहीं होता। ट्रेड बैरियर्स का मतलब होता है जो आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का मतलब कि आप लीगली बिजनेस कर रहे हैं, जो आप लीगली बिजनेस कर रहे हैं उसके बैरियर से रिलेटेड है। यहाँ पर इलीगल या आपके जो रूल से अलग हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो यह रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हैं, कुछ आपके रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होते हैं आप उनकी बात नहीं कर रहे हैं बैरियर से, ठीक है ना। तो बैरियर का मतलब यहाँ जो आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर उसमें ट्रेड बैरियर जितने कम होंगे आपका क्या है वो उतना ही ज़्यादा आपकी ट्रेड को इनकरेज करेगा, उतनी ही ज़्यादा कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन आके आएंगी। जो हमारे यहाँ इस समय FDI बढ़ाई गई है, ये क्यों बढ़ाई गई है, ताकि हमारे यहाँ अदर जो फॉरेन कंपनीज हैं आएँ और यहाँ पर इन्वेस्ट करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, हमारे यहाँ करेंसी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बढ़े। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर FDI अब हर क्षेत्र में लागू कर दिया है, इवन डिफेंस सेक्टर में भी हमारे यहाँ अब FDI अलाउड है। इसलिए ताकि हमने क्या किया है, हमने ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए हैं, हमने ट्रेड बैरियर्स कम कर दिए हैं ये FDI लागू करके। नाउ प्रेडिक्टेबिलिटी थ्रू बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब कि अब यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता मतलब कि सब कुछ क्लियर कट होना चाहिए, हिडन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जब बेचते हैं टर्म्स एंड कंडीशन लगाते हैं, कहते हैं कि साइन कर दो, अरे सब ऐसे आसान है, फिर बाद में जब आप कोई क्लेम करते हैं तो फिर वो दिखाने लगते हैं कि अरे इसमें तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा बहुत सा होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है आप जो अल्कोहल या जो पान मसाला वगैरह खाते हैं उसमें क्या होता है, साफ साफ लिखा होता है कि ये खाने से या ये उसको कंज्यूम करने से आपको हेल्थ के लॉस हो सकता है, अब आप इसको अपने रिस्क पर लें, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि जब सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको छुपा करके कुछ करें। तो सम टाइम प्रोमिसिंग नॉट टू रेज अ ट्रेड बैरियर कैन बी एज इम्पॉर्टेंट एज लोवरिंग वन, बिकॉज द प्रोमिस गिव्स बिजनेस ए क्लियरर व्यू ऑफ देयर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी। आपको क्या है, जब आप किसी के साथ ट्रेड या करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको उनसे एक प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस करेंगे तो हमारे साथ बिजनेस करने के आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हम आपको चीट नहीं करेंगे, हम आपको धोखा नहीं देंगे, हम आपके साथ सब कुछ फेयर करेंगे। इससे क्या होता है लोगों का भरोसा बढ़ता है, अगर भरोसा बढ़ेगा तो क्या होगा जो फ्यूचर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ेंगी, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको बढ़ जाएंगे। विद स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट इज इनकरेज। जब आप लोगों को इस तरह से आप भरोसा दिलाएंगे तो क्या होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा,
जॉब्स आर क्रिएटेड एंड कंज्यूमर्स कैन फुली इंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ कंपटीशन। ऐसे क्या होगा, लोग आपके यहाँ बिजनेस करने आएंगे, आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कस्टमर को कंपटीशन में ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंपटीशन होगा, तो कस्टमर को बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइस पर प्रोडक्ट मिल सकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट और डेवलपमेंट रहेगा। नाउ द मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम इज एन अटेम्प्ट बाय गवर्नमेंट टू मेक द बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल। इसके लिए क्या है, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम, इसमें आप कई बिजनेस एक साथ कर सकते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन किसी के साथ मैच कर सकता है, कई लोग मिलकर के बिजनेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये सब क्यों किया, ताकि हमारे यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके फेवर में किया जा सके। आपने देखा होगा कि FDI में बहुत से रूल्स और रेगुलेशन जो पहले थे, जो LPG के पहले थे, अब सब हटा दिए गए हैं। 1990s में भी बहुत थे, लेकिन अब 2021 में लगभग ना के बराबर आपके क्या रह गए हैं, रूल्स और रेगुलेशन बिजनेस के लिए। अब यही का एक नतीजा है जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें क्या है, बहुत से लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जो है क्या कर रही है, जो बिजनेसमैन है उनको फायदा पहुंचा रही है। ये किस लिए, क्योंकि ये हमारे पास जो ट्रेड बैरियर्स ये लाए जा रहे हैं। नाउ प्रमोशन फेयर कंपटीशन, प्रमोटिंग फेयर कंपटीशन, आपको क्या है, जो कंपटीशन है और वो भी कौन सा फेयर, द WTO इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज ए फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन। WTO कभी कभी आपका फ्री ट्रेड इंस्टीट्यूशन कहलाता है, बट दैट इज नॉट एंटायरली एक्यूरेट, लेकिन क्या है ये पूरी तरह से सत्य सही नहीं है। द सिस्टम डज अलाउ टैरिफ एंड इन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स हैं उन्होंने जो बना रखे हैं, कुछ रूल्स उसमें अगर आपको ये फ्री ट्रेड करते हैं तो, लेकिन उसके लिए भी आपने कुछ रूल्स हैं, ताकि कुछ परिस्थितियां इस तरह की ना क्रिएट हो पाए जिससे लोगों को उसका नुकसान हो, आपको फिर वो दूसरे तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। मोर एक्यूरेटली इट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स डेडिकेटेड टू ओपन फेयर एंड अनडिस्टॉर्टेड कंपटीशन। क्या है ये रूल्स, जो रूल्स और रेगुलेशन जो एग्रीमेंट बने हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको ओपन फेयर और अनडिस्टॉर्टेड कंपटीशन हो। यहाँ पर मतलब कि एक खुला ओपन कंपटीशन हो, फेयर का मतलब ईमानदारी से सब लोग करें। अब कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से चोरी करके लाए फिर उसको सस्ते में देना चालू कर दें, या आप टैक्स की चोरी करें जिससे आप सस्ता में करते हैं। क्या है, फेयर होना चाहिए, ठीक है ना, फेयर और अनडिस्टॉर्टेड कंपटीशन होना चाहिए। नाउ इनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। डेवलपमेंट का मतलब आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो आर्थिक सुधार और संशोधन और उसका विकास। WTO सिस्टम कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, जो WTO का सिस्टम है वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है। ऑन द अदर हैंड डेवलपिंग कंट्रीज नीड फ्लेक्सीबिलिटी इन द टाइम दे टेक टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम्स एग्रीमेंट। जो डेवलपिंग कंट्री मतलब कि जो विकासशील देश हैं उनको क्या चाहिए, रूल्स में फ्लेक्सीबिलिटी हो। जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए WTO में क्या है, फ्लेक्सीबिलिटी है। क्या है, फ्लेक्सीबिलिटी है अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जब उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, जो सिस्टम का WTO का एग्रीमेंट है वो उसमें इतना फ्लेक्सीबल है। क्यों, ताकि आप जो है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको अचीव कर सकें। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या है, वो डेवलप करना चाहती हैं, तो रूल्स में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है ताकि आप अपने डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव को, या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आप उसको अचीव कर पाएं। नाउ एंड द एग्रीमेंट देमसेल्फ इनहेरिट द कैरियर प्रोविजन ऑफ GATT दैट अलाउ फॉर स्पेशल असिस्टेंट एंड ट्रेड कंसेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी था, इसीलिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको नहीं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्या है, स्पेशल असिस्टेंस, मतलब कि विशेष सहायता पैकेज जो होते हैं। जैसे अभी जो पैंडेमिक का केस चला था, तो WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको किसी ने फंड दिया, किसी ने मेडिसिन दिया, कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड किया। ये क्या है, विशेष सहायता, जैसे WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उसने कई कंट्रीज को फ्री में टीका दिया, अपने यहाँ भी कई WHO ने फ्री में टीके दिए, या कुछ कंट्रीज ने अपने यहाँ कुछ किया इस तरह से। क्या है, एक दूसरे की हेल्प, एक दूसरे की हम लोग हेल्प करते हैं अगर हम लोग WTO के मेंबर हैं तो, ठीक है ना। ना इससे क्या हुआ, इससे अगर आपको जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपना वो अचीव कर सकते हैं। ना स्ट्रक्चर ऑफ WTO देखिए क्या होता है। सबसे पहले मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये हम जब पीछे पढ़ रहे थे उसमें तो हमने बता दिया था, इसमें मिनिस्ट्री लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है। फिर इसके बाद है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, इसमें होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। दूसरी है जनरल काउंसिल, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है उसके बाद उसके तीन डिपार्टमेंट हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जनरल काउंसिल और फिर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ठीक, तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अलग है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी अलग है। जो जनरल काउंसिल है उसके अगेंस्ट चार डिवीजन है, कौन कौन सा, द कमेटी ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, टी एंड ई क्या होता है, बाहर देखिए। हाँ, ये पूरा एक ही है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, द कमेटी ऑन T&D एंड TNE। फिर अगला है गुड्स काउंसिल, गुड्स काउंसिल। तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, जिसके बारे में भी हम लोग कल काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और अगला है सर्विस काउंसिल, जो जनरल काउंसिल है उसके अंतर्गत आपके चार डिवीजन हैं वो ये रहे। ठीक, नाउ रोल ऑफ WTO, ये एक आपके एग्जाम में आता है, अगर आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो WTO से रिलेटेड ये क्वेश्चन, रोल एंड ऑब्जेक्टिव यही पूछा जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO या रोल ऑफ WTO, इस तरह से आपका ये पूछा जाएगा। तो पहला, द मेन गोल ऑफ WTO इज टू हेल्प द ट्रेडिंग इंडस्ट्री टू बिकम स्मूथ, फेयर, फ्री एंड प्रेडिक्टेबल। इट वॉज ऑर्गेनाइज टू बिकम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड एंड बिजनेस एग्रीमेंट बिटवीन इट्स मेंबर नेशन। इट सपोर्ट्स ऑल अकरिंग नेगोशिएशन फॉर लेटेस्ट एग्रीमेंट फॉर ट्रेड। WTO ऑल्सो ट्राइज टू रिसॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर नेशन। ये हम सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मेन गोल क्या है कि आपको फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट ट्रेड आपको प्रोवाइड करना है, जिससे आपकी ट्रेडिंग इंडस्ट्री स्मूथ चलती रहे। यहाँ पर क्या है, आपका ट्रांसफरेबल होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं किसके, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको आप असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, असिस्टेंस। ठीक, नाउ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज मेड बिटवीन सेवरल कंट्रीज इन द पास्ट। पिछले कुछ समय में क्या हुआ है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट मतलब कि एक साथ कई ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एग्रीमेंट आप किसी भी कंट्री में कर सकते हैं। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, कई कंट्रीज के बीच में इसका एग्रीमेंट हुआ है कि आप हमारे यहाँ आइए, दूसरी कंट्री से चाहे पहले क्या था कि एक दो बिजनेस आ जाएं, लेकिन अब क्या है, कोई भी मल्टीलेटरल, मल्टीलेटरल मतलब एक साथ कई ऑर्गेनाइजेशन आप वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से सच एग्रीमेंट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट। जो कुछ एग्रीमेंट्स हैं उनको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल हो गया, बट आर सो पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल
वंस ऑल द पार्टीज एग्री एंड साइन द मल्टीलैटरल। लेकिन अगर एक बार ये लागू हो जाता है, एक बार लागू हो गया तो ये सभी कंट्रीज के लिए काफी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहता है। नाउ WTO acts as the administrator, सबके बीच में एग्रीमेंट हो गया मल्टीलैटरल ट्रेडिंग का, तो क्या है अब WTO इन सभी के बीच में एक एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक प्रशासन के तौर पर, एक गवर्नमेंट के तौर पर ये काम करता है। इफ देयर आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और डंपिंग एंड देयर इज कंप्लेंट हियर, द स्टाफ ऑफ WTO आर एक्सपेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट एंड चेक इफ देयर आर वायलेशन बेस्ड ऑन द मल्टीलैटरल एग्रीमेंट। अब अगर कभी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है या कोई कंप्लेन करता है, या कोई कंप्लेन करता है तो क्या होता है WTO का कुछ स्टाफ होता है जो क्या करता है इन्वेस्टिगेशन करता है और चेक करता है कि क्या कोई रूल ब्रेक हुआ है, मतलब कि जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है उसमें से क्या किसी ने वायलेशन रूल का किया है, अगर किया है तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक, नाउ टर्म्स एंड ट्रिप्स ऑफ WTO, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फीचर टर्म्स, टर्म रिफर्स टू सर्टेन कंडीशन ऑफ और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाई ए गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। टर्म्स क्या है, रिफर्स टू सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन होती है इम्पोज बाई ए गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, मतलब कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्वेस्ट कर रही है तो क्या है कुछ कंडीशंस और शर्तें होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं वो कहलाती हैं ट्रेंड ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फीचर्स। नाउ द एग्रीमेंट ऑन टर्म्स प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शैल अप्लाई एनी टर्म व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द WTO आर्टिकल्स। इसमें क्या है कि जो टर्म्स का एग्रीमेंट है उसमें क्या है दैट नो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शैल अप्लाई एनी टर्म, अगर कोई भी WTO का मेंबर नहीं है तो वो टर्म्स को अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर WTO का मेंबर नहीं है, उसके WTO के रूल में है, अगर उसका मेंबर नहीं है तो वो टर्म्स को अप्लाई नहीं करेगा। नाउ एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स TRIPS, ठीक, तो इसमें क्या है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, मतलब TRIPS इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये है आपका एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो WTO के द्वारा एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। दैट सेट्स डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड IPR के बारे में हमने कल काफी बताया, इसमें बताया था कि आपका IPR में क्या होता है, तो इससे रिलेटेड रूल्स WTO ने बनाए जो आपके TRIPS के अंतर्गत आते हैं, जो IPR होता है, IPR होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये क्या है हर कंट्री में फॉलो होते हैं, जैसे एप्पल और अगर आपने ये एंड्रॉयड का जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल और एंड्रॉयड का जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एप्पल ने एक बार एंड्रॉयड ये जो सैमसंग है इसके ऊपर केस किया था, किस बात को लेकर के कि सैमसंग ने उसके जो एंड्रॉयड वाला कॉन्सेप्ट है उसके जो आईफोन का कॉन्सेप्ट है उससे लिया हुआ है या उसके सॉफ्टवेयर उसमें इस्तेमाल हुए हैं। ठीक, लेकिन जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें क्या होता है आपके अगर पास पेटेंट और कॉपीराइट्स हैं तो उनका एक टाइम टेन्योर होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं वो किसी की पर्सनल नहीं हो सकती, तो इंटरनेशनल कोर्ट ने इस बात के लिए अवॉइड कर दिया था कि जो सैमसंग ने उसका इस्तेमाल किया है वो उससे कोई भी रूल्स ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना, तो फिर वो एप्पल आईफोन उसमें कुछ नहीं कर पाया था, सैमसंग वो केस इंटरनेशनल कोर्ट में जीत गई थी। नाउ तो ये क्या है सब IPR से रिलेटेड एक्ट। नाउ इट वाज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ द उरुग्वे राउंड ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इन 1994। ये आपका जो गेट 1994 में वो था ना उरुग्वे राउंड, यहाँ पर उरुग्वे राउंड का मतलब यहाँ पर ये है आपका क्या था कि उस समय मीटिंग वो कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी गेट की, तो कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जो 1994 में उरुग्वे में हुई थी, तो वहां पर इस चीज की चर्चा की गई थी और वहां पर इसको अप्लाई किया गया था। कौन सा TRIPS का, TRIPS contains requirement that nations laws must meet for copyright rights including the rights of performers producers of sound recordings and broadcasting organizations geographical indications including appellations of origins। इसमें ये नीचे ढेर सारी वो ये दिए हुए आइटम्स,
मतलब कि कॉपीराइट आपका कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई म्यूजिक बनाया, म्यूजिक बनाने के बाद आपने उसका कॉपीराइट करवा लिया, तो अब उस म्यूजिक को आपके अलावा आप ही उसका जो फाइनेंशियल कॉमर्शियल बेनिफिट है आप लेंगे, उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता। उसका एक टाइम पीरियड भी होता है, 15 साल 20 साल जो भी है, आप उस टाइम पीरियड के अंदर आप उसका फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग, कोई आपने मूवी या कोई सीरियल आपने बनाया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन है आपको, कोई जियोग्राफिकल मतलब कि आपके यहाँ कोई ऐसी लोकेशन है जिसका आप बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ भी हो, आपने कोई भी नई चीज़ बनाई, कोई आपने मशीन बनाई है, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया है, या आपने कोई म्यूजिक बनाया है, कोई फिल्म बनाई, या कोई आपने कोई कहानी लिखी, कुछ भी हो, तो आप उसका कॉपीराइट करवा सकते हैं। और उसका ये कर सकते हैं कि अगर कोई भी उसको आपकी बगैर परमिशन के इस्तेमाल करेगा तो आप उस पर फाइन लगा करके उससे चार्जेस वसूल कर सकते हैं। तो स्पेसिफाइड इन्फोर्समेंट प्रोड्यूसर रेमेडीज एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीजर। लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जो इस कॉपीराइट के फील्ड से अलग की गई हैं। जैसे अभी क्या होता, अभी ये था कि जो पेंडेमिक वाला केस है, जो अभी पेंडेमिक वाला केस चला, तो उसमें ये था कि चाहे कोई भी कंट्री अगर वैक्सीन बनाती है तो वो उसमें उसका कॉमर्शियल बेनिफिट लेने के लिए उसका कॉपीराइट नहीं करवा सकती, उसका कॉपीराइट नहीं करवा सकती, क्योंकि इस समय जो कंडीशन चल रही थी वो बहुत पूरे वर्ल्ड लेवल पर थी, ठीक है ना। तो आप उसका कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं ले सकते थे कि कॉपीराइट करवा लिए तो केवल आप ही बनाएंगे, ऐसा नहीं था। तो कुछ सिचुएशन और कुछ कंडीशन, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप उसका कमर्शियल बेनिफिट लें। नाउ द रिलेवेंस ऑफ WTO। अब WTO का रिलेवेंस क्या है? द सिस्टम हेल्प्स प्रमोट पीस। इससे क्या होता है, जो प्री जो WTO के मेंबर कंट्रीज हैं उसमें शांति स्थापित होती है, शांति स्थापित करने में हेल्प मिलती है, क्यों एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। द सिस्टम अलाउ डिस्प्यूट टू बी हैंडल्ड कंस्ट्रक्टिवली। जो अगर किसी कंट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता है, उसको हैंडल करते हैं। ए सिस्टम बेस्ड ऑन रूल्स रेदर देन पावर मेक्स लाइफ इजियर फॉर ऑल। जो सिस्टम आपका पावर मतलब कि अगर पावर की बजाय रूल्स से चलता है वो ज़्यादा आसान होता है और लाइफ उससे इजी होती है। फ्री ट्रेड कट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग। जो फ्री ट्रेड होती है उससे आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्यों, उससे कंपटीशन बढ़ता था, कंपटीशन बढ़ने से लोगों को बेटर क्वालिटी और बेटर प्राइस पर प्रोडक्ट मिल जाता है। नेक्स्ट, इट गिव्स कंज्यूमर्स मोर चॉइस एंड अ ब्रॉडर रेंज ऑफ क्वालिटीज ऑफ टू चूज फ्रॉम। इससे क्या है, कस्टमर और कंज्यूमर को आपको एक ज़्यादा रेंज में प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल जाएंगे सेलेक्ट करने के लिए, क्यों, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, आपके पास एक ही प्रोडक्ट के या सर्विसेज के लिए कई ऑप्शन होंगे, तो आप उसमें से बेटर क्वालिटी का जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास कई अल्टरनेटिव होंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड रेजेस इनकम। जैसे जैसे आपकी ट्रेड बढ़ती है वैसे इनकम भी बढ़ती है, लोगों को इनकम बढ़ने का चांस मिलेगा। ट्रेड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दैट कैन बी गुड न्यूज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका व्यापार बढ़ता है, ट्रेड बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आपकी आर्थिक विकास होता है, जिससे क्या होता है, ये एक अच्छा समाचार है किसके लिए, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल मेक्स द सिस्टम इकोनॉमिकली मोर एफिशिएंट एंड दे कट कॉस्ट। और इसका बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि आप इकोनॉमिकली डेवलप कर रहे हैं और आपकी कॉस्ट जो है कम हो रही है, क्यों, कॉम्पिटिशन हो रही है तो आपकी कॉस्ट भी इसमें कम हो रही है। नाउ द एग्रीमेंट्स। एग्रीमेंट्स क्या है, WTO इज रूल बेस्ड, इट्स रूल्स आर नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। WTO क्या है, नियम से चलता है और इसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो नेगोशिएटेड हैं। नेगोशिएटेड का मतलब कि आप जब भी जैसी ज़रूरत होती है आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। ओवरव्यू एंड नेविगेशनल गाइड। ये क्या है, एक नेविगेशनल गाइड, जितने भी कंट्रीज हैं उनको ट्रेड से रिलेटेड एक गाइड के फॉर्म में काम करता है। नाउ प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट। इसमें बहुत से लोगों के बीच मतलब कि लगभग 164 मेंबर हैं तो उन सभी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। फर्दर चेंजेस ऑन द हॉरिजन ऑन दोहा एजेंडा। ये इसमें एक दोहा एजेंडा का मतलब है, एक दोहा में जैसे कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी तो वहां पर अगर कभी कुछ चेंजेस की जरूरत होती है तो आप उसमें कर सकते हैं, ऐसा उसमें रूल था।
सम ऑफ द एग्रीमेंट्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ के कुछ एग्रीमेंट्स क्या क्या हैं, टैरिफ्स मोर बाइंडिंग एंड क्लोजर टू जीरो, मतलब एक दूसरे के ज़्यादा करीब हों और नियम कम से कम हों। टैरिफ का मतलब टैरिफ माने होता है नियम, कम से कम और क्लोजनेस ज़्यादा, ठीक। द एग्रीकल्चर एग्रीमेंट न्यू रूल्स एंड कमिटमेंट, आपको क्या है कृषि से रिलेटेड कुछ समझौते हैं जिसमें नए रूल्स और कमिटमेंट हैं आपको एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। टेक्सटाइल, आपके जो क्लॉथिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री है बैक इन द मेन स्ट्रीम, आपका क्या है इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड इन्फॉर्मेंस, जो आपके IPR है उसके प्रोटेक्शन के लिए। नाउ द एग्रीमेंट कवर्स फाइव ब्रॉड इश्यूज, जो एग्रीमेंट्स हैं वो पांच मेन बेसिक एरिया, जो बड़े एरिया हैं उनको कवर करते हैं। कौन कौन से, हाउ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम एंड अदर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट शुड बी अप्लाइड, मतलब कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है जो ट्रेडिंग सिस्टम और जो अदर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स हैं वो कैसे अप्लाई होंगे, कैसे अप्लाई होने चाहिए इंटरनेशनल जो IPR एग्रीमेंट्स हैं। हाउ टू गिव एडिक्वेट प्रोटेक्शन टू IPR, जो IPR मतलब कि अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कुछ आपने ऐसा जनरेट किया या क्रिएट किया है उसको आप कैसे सेफ रख सकते हैं, कोई आप उसको चोरी ना कर पाए, आप कोई आपका आइडिया ना चुरा पाए, आपका जो डिजाइनिंग है वो ना चुरा पाए, आपने जो म्यूजिक कंपोज किया है वो ना कोई चुरा पाए, इसकी सुरक्षा के लिए आपके पास कई रूल्स बनाए गए हैं। हाउ कंट्रीज शुड इन्फोर्स दोज राइट्स एडिक्वेटली इन देयर ओन टेरिटरीज, जो कंट्रीज हैं इन नियमों को अपने देश में कैसे पूर्ण रूप से या अच्छे तरीके से लागू कर सकती हैं, जो कंट्रीज हैं ये सारे नियमों को अपनी कंट्री में कैसे अच्छे तरीके से लागू कर सकती हैं। नाउ हाउ टू सेटल डिस्प्यूट ऑन IPR मेंबर्स ऑफ द WTO, जो WTO के मेंबर्स हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे उसको सेटल कर सकते हैं। नाउ स्पेशल ट्रांजिशन एग्रीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द न्यू सिस्टम इज बीइंग एंटर्ड, अगर कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, अगर कोई नया सिस्टम कोई नया रूल या नया एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस होता है तो उसके लिए कितना समय देना चाहिए लोगों को उसको फुलफिल करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, उसके लिए क्या अरेंजमेंट करना चाहिए, उसको पुराने से कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, आप ये सब वहाँ पर कर सकते हैं। नाउ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है क्या, हाउ द WTO डील्स विद द स्पेशल नीड्स ऑफ एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट ग्रुप, अब जो है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या क्या स्पेशल नीड्स उसमें कर सकते हैं। इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट्स में क्या है, मोर टाइम बेटर टर्म, उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको टाइम ज़्यादा मिलता है और उनके लिए कुछ कंडीशंस अच्छी हैं। लीगल असिस्टेंट एज सेक्रेटेड सर्विस, अगर उनको कोई लीगल असिस्टेंट की ज़रूरत है तो सचिवालय की, सचिवालय लेवल की एक उनके पास सर्विस प्रोवाइड होती है जो उनको लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशल फोकस, जो कम मतलब कि बहुत ही जिनका डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है उन पर स्पेशल फोकस होता है, उनके लिए लीगल असिस्टेंस, स्पेशल ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, इस तरह के बहुत सी फैसिलिटीज उनको दी जाती हैं। कमिटीज ट्रेड एंड डेवलपमेंट कमिटीज, जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट कमेटी बनी है वो इस तरह की हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। नाउ सब कमेटी ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो बहुत ही कम डेवलप्ड कंट्रीज या जिनमें डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा तो उसके लिए कुछ सब कमेटी भी बनी है। दोहा कमेटी, जो दोहा एजेंडा कमेटी है उसके कुछ रूल्स थे, देखिए WTO टेक्निकल कोऑपरेशन, WTO क्या है उनको जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट देगा, उनको टेक्निकल सपोर्ट देगा। पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम अपॉर्चुनिटीज एंड कॉन्सर्न, उनको जो सिस्टम में उनको पार्टिसिपेट करेगा और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा, किनके लिए, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देगा, किस लिए, डेवलप के लिए। नाउ इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस, जो प्रेफरेंसेस हैं उनको हटाएगा, इरोजन मीन्स आपका हटाना, एक सेकंड देख लेते हैं जरा। इरोजन माने क्षरण, हटाना, ठीक। तो इरोजन ऑफ प्रेफरेंसेस, जो कुछ प्रेफरेंसेस हैं उनको हटाना है। द एबिलिटी टू अडॉप्ट द सप्लाई साइड, क्या है
जहाँ से सप्लाई हो उसको बढ़ाना, लोगों को उसको इनकरेज करना कि आप यहाँ से सप्लाई कीजिए और यहाँ से लीजिए एबिलिटी टू अडाप्ट। आप कुछ रिसेंट इश्यूज हैं या फिर ट्रेड टू एक्सपेंड बाई 9.5% इन 2010 आफ्टर ए डिसमिसल डेसिमल 2019 WTO रिपोर्ट। इसमें क्या है, जो ट्रेड को है 2010 में जो है कितना 9.5% इसको एक्सपेंड किया गया है। वाई वॉज द ट्रेड डिक्लाइन सो लार्ज, जो ट्रेड है वो क्यों नीचे जा रही है। ट्रेड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर 2010, ये आपके कुछ पुराने रूल्स हैं, ये आपके जो पुराने रूल्स हैं उससे रिलेटेड है ये। ठीक, नाउ कंक्लूजन, इट इज अ प्लेस वेयर द मेंबर कंट्री कम्स एंड टॉक्स टुगेदर एंड शेयर देयर ग्रीवियंस इन ऑर्डर टू रिसॉल्व देयर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड। ये वो जगह है WTO जहाँ पर मेंबर कंट्रीज आती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, अगर उनकी कोई कंप्लेन है तो वो उसको सॉल्व करती हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाती हैं। द कंट्रीज मेक देयर डिसीजन थ्रू वेरियस काउंसिल्स एंड कमिटीज हूज मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ ऑल WTO मेंबर्स। कंट्रीज क्या करती हैं कि अलग अलग उसमें काउंसिल और कमेटी बनी हुई हैं, वहाँ पर आती हैं, जैसी जो डिसीजन होते हैं वहाँ पर लिए जा सकते हैं। जो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज, उनके लिए कमेटी बनी हुई है, तो क्या होते हैं वो सब एक प्लेस पर आते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं। द सिस्टम हैज प्रमोट पीस बाय हैंडलिंग डिस्प्यूट ऑफ मेंबर कंट्रीज, इट प्रोवाइड्स फ्री ट्रेड व्हिच कट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड प्रोवाइड्स मोर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटीज एंड स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, कैसे पीस को प्रमोट करते हैं, डिस्प्यूट को हैंडल करते हैं, फ्री ट्रेड प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, कंपटीशन बढ़ेगा, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, जिससे क्या होता है इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नाउ द WTO एग्रीमेंट कवर गुड्स सर्विसेज IPR। WTO के एग्रीमेंट में क्या है, गुड्स कवर होते हैं, सर्विसेज कवर होती हैं, IPR कवर होते हैं, ठीक है ना, लगभग लगभग सभी चीज़ें कवर हैं। दे स्पेल आउट द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलाइजेशन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दे लिबरलाइजेशन के प्रिंसिपल को वो डिस्क्राइब करते हैं एंड द परमिटेड एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होते हैं जिनको वो क्या करते हैं परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। दे इंक्लूड इंडिविजुअल कंट्रीज कमिटमेंट्स टू लोअर कस्टम टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स एंड टू ओपन एंड कीप ओपन सर्विसेज मार्केट। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर जैसे जो कम डेवलपमेंट हुआ है या जो बहुत गरीब कंट्रीज हैं उनको क्या है लोअर टैरिफ दे सकते हैं या वहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को कम कर सकते हैं, जो कस्टम ड्यूटीज हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं या उनको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं। क्या है वो जो कम डेवलपिंग कंट्रीज हैं ना उनको वो चाहें तो कुछ विशेष फैसिलिटीज भी दे सकते हैं। नाउ WTO deals the special needs of developing countries as 2/3 of the WTO members are developing countries. देखिए अभी आपने कहा था कि जो USA का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन WTO में 2/3 member कौन से developing countries के हैं, जो developing countries, and they play an increasingly important and active role in the WTO because they are becoming more important in the global economy. अब चूंकि अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वही ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं वो चूंकि मेंबर में भी ज़्यादा हैं, 2/3 हैं टोटल का, तो वो क्या करना है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी डिसीजन को लेने में, जिससे कि आपकी इकोनॉमी डेवलप हो रही हो, जैसे आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट योर WTO। ये WTO के बारे में पूरा सब पूरा कवर हो गया, अब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट है और अब जो है आपका टेस्ट की डेट आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी, 16 से 21 के बीच में टेस्ट होगा आपका, जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके और 1 ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, और सभी लोग अपना नाम जरूर लिख दीजिए प्लीज चैट बॉक्स पर।
यस नैना बताइए। सर आप तो कह रहे हैं शायद पेपर 1.5 घंटे का होगा, क्योंकि सब सब्जेक्ट का टेस्ट 1.5 घंटे का ही हो रहा है। बेटा वो 1.5 घंटे एग्जाम की बात हो रही है, हम अपना टेस्ट की बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन एक टेस्ट लेंगे। सर किस दिन होगा? ये 16 से 21 के बीच में होगा, आपके ग्रुप पर आपकी डेट अभी आज शाम तक या कल तक आपको आ जाएगी, 16 से 21 सर में। क्या पूरा शेड्यूल आएगा सारे सब्जेक्ट्स के, कब होगा टेस्ट? हमें अपना पता है, जिस दिन हमारा लेक्चर होगा उसी दिन पड़ेगा वो, हम अपने लेक्चर सर ये वाले ऑनलाइन होना है ऑफलाइन? ये हम जो लेंगे हम ऑनलाइन लेंगे, गूगल फॉर्म पर आपका आएगा उसी पर होगा वो। सर फिर आप डेट बता दीजिएगा जब वो, एक से हाँ दो दिन आज पहले। शाम तक, हम शाम तक या कल तक आपको डेट क्लियर हो जाएगी आपको। ओके सर।